कि कैसे हुआ गुजरात में झाड़ू का सफाया, ये आपको किसी ने अभी तक न बताया। जिसको भी तुमने दारू पिलाई थी फ्री में, दारू के नशे में बटन कमल का दबाया। दारू के नशे में एक लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की, तो एक मन चला घुरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया, चोट लग गई। अब तीनों लड़कियों का कमेंट सुनो। पहले जरा लखनऊ वाली, जरा मामूली नरम अंदाज वाली, अदब का शहर है ना, ओहो चोट लग गई बेचारे के। अब दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। अब हमारे हरियाणा वाली और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये क्या झटका था दिया था बीच में, ये भी हरियाणा का ही है, ये भी हरियाणा का ही था भाई साहब। के सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, ये तो किसी का नहीं है भाई साहब। जहां भी जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है। तालियां थोड़ी बज रही है, जिंदाबाद करा तेरे जादू का जवाब। और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे राजीव छाजेड़ जी और पुरुषोत्तम जी बैठे हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से। और ये दोनों जहां कहीं है, पीछे ताली अगर अच्छी बज जाए, क्योंकि आज कुमार भाई आए हैं, उनका जलवा देखना। हम तो उनको सुनने के लिए आते हैं सब, और उनके साथ आते हैं तो उनको सुनने के लिए बैठते हैं। कभी मित्र भी चाहते हैं कि हम कुमार भाई को सुने, कुमार भाई का जलवा ही अलग। राजीव छाजेड़ जी बढ़िया कार्यक्रम, आज से नहीं जानता मैं राजीव जी को, 1914 से जान पहचान है मेरी भाई साहब। कनाट प्लेस की बात है, एक चीनी बैठा, एक पाकिस्तानी बैठा, एक राजीव भाई बैठे, मैं बराबर में बैठा, तीनों कॉफी पी रही है, तो तीनों कॉफी पी रहे, जलवा देखना, और गुजरात की उस पर ताल मस्ती पर ताली बजाना साहब। तो जैसी गुजराती ने, जैसे ही पाकिस्तानी बैठा, चीनी बैठा, पाकिस्तानी ने जैसी कॉफी खत्म करी, कप हवा में उछाल के कप तोड़ दिया, ठा ठा। जिस कप के अंदर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते हम पाकिस्तानी, हमारा जलवायु कुछ हो रहा है। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली, हवा में उछाली, कुर्सी के दो गोली मार के कुर्सी तोड़ दी, हम चीनी हैं, हमारा जलवायु कुछ हो रहा है। जिस कुर्सी के ऊपर बैठ कर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। राजीव छाजेड़ जी, पूरे हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल, गुजरात की इज्जत का सवाल। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी कट्ठा, दूसरी मारी चीनी कट्ठा, बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं। सुबह बुलाया तुझे पीने, एक बार हाथ खड़े करके जरा सारा सदन तालियां बजाए कुमार भाई की अगवानी में। सुबह राजीव भाई ने तुझे कॉफी पे बुलाया? कॉफी पे बुलाया नहीं, कॉफी में इनके साथ पी नहीं सकता सर। आज मैं आया, मेरे से कह रहे अनिल भाई तुम बहुत देश के बड़े कवि हो, मैं नहीं मेरे से बड़े कुमार हैं। बोले वो तो ठीक है लेकिन तू भी कम नहीं है। नहीं कही थी ये बात, और ऐसा होता है। पर भाई साहब मस्त आदमी है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। अरविंद भाई बैठे हैं, अरविंद भाई का कोई मुकाबला नहीं, इतने प्यारे व्यक्ति है भाई साहब। मैं आया, मेरे से पूछे अनिल भाई क्या लोगे, मैं कुछ नहीं भाई साहब चाय पी लेते हैं। दोनों चाय पीने लगे, इनके चाय में मक्खी पड़ी, इतना जिंदे दिल इंसान। मैंने कहा भाई साहब अरविंद भाई आपकी चाय में मक्खी पड़ी है, बोला पड़ी रहन दे साली कितना पी लेगी। नहीं वो मक्खी हमारा जल, हमारा तो सब कुछ मस्त है, वो एक मस्त प्रदेश है। वो एक बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया? बच्चा हमारे हरियाणा का था। कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया? बच्चा बोला मास्टर जी मन ने निभेरा, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। ये हार्दिक को भी कुछ दिन पहले पता चला था। हार्दिक जी को जिस दिन पता चल गया उसी दिन आ लिए इधर। अच्छा हार्दिक भाई एक मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, मजे लेना आप भाई साहब। मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ मैं, यहाँ तो दुखी होके आया हूँ मैं केजरीवाल जी से, है ना। कई लोग दुखी बैठे हैं यहाँ, चार पांच दुखी आए हुए हैं वहां से, मंच के ऊपर भी कुछ दुखी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सब हम वहीं से ही आए हुए हैं। मेरे से कहने लगे यार अनिल मैं गुजरात में क्यों हार गया, मैंने उनको चार पंक्तियां सुनाई केजरीवाल साहब को, आप सुनना नई पंक्तियां हैं। मैंने कहा कैसे हारे आप सुनो गुजरात के अंदर, कि कैसे हुआ गुजरात में झाड़ू का सफाया। चौथी पंक्ति पे भरपूर आनंद चाहे, आपकी तालियां चाहता हूं। कि कैसे हुआ गुजरात में झाड़ू का सफाया, ये आपको किसी ने अभी तक न बताया।
जिसको भी तुमने दारू पिलाई थी फ्री में, दारू के नशे में बटन कमल का दबाया, दारू के नशे में के सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी एशियाई किल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं किसी की कितनी सीटें आ जाए भाई साहब। अब दिल्ली में एमसीडी की सरकार आ रही है केजरीवाल जी की, लठ बजा दिया, मेयर की शपथ नहीं मिलेगी। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और 6 साल पुराना योगी जी का स्क्वाड रोमियो याद करना और एक एक श्रोता की तालियां चाहूंगा। के अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। पर अलग बात है भाई साहब, परसों ही मोदी जी से बात हुई, मेरे से कह रहे अनिल हमारे गुजरात का मुकाबला नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, बोले देख मैं गुजरात का, मैंने कहा ठीक। अमित शाह गुजरात का, मैंने कहा जी ठीक। अंबानी हमारे गुजरात का, मैंने कहा जी ठीक। ये भी हमारे अंबानी जी भी हमारे गुजरात के, मैंने कहा ठीक। बोले हमारे गुजरात का कोई मुकाबला नहीं है। मैं बोला आसाराम कौन सा बिहारी का है, वो भी गुजरात का ही है। हमारे बैठे हैं कहाँ गए भाई साहब, प्रणाम करता हूँ मैं, भिवानी से ही है। हमारा केजरीवाल भी भिवानी से ही है साहब, ये किस लिए, हाँ बदतमीज, ये मस्ती की बात है। ये बैठे हैं यहाँ पर केजरीवाल, केजरीवाल का नाम सुनते ही भाई साहब कई बार परेशान हो जाते हैं लोग। 5 लोगों को निपटाना था पाकिस्तान, 5 लोगों को, पूरे देश में कोई पसंद नहीं आया। 5 लोगों की लिस्ट बनाई, बोले नंबर 1 बाबा रामदेव निपटाएगा, बोले नंबर 2, बोले नंबर 2 केजरीवाल। एक बोला यार केजरीवाल जी के बस की पाकिस्तान को निपटाना नहीं है, बोला यार टीम में तो रख लो, निपटाएगा नहीं कम से कम दुखी तो कर देगा। नंबर तीन बोले राहुल गांधी जी को रख लो, बोले राहुल गांधी जी के बस की पाकिस्तान को निपटाना नहीं है, बोला यार निपटा देगा राहुल गांधी, ऐसा नहीं निपटा देंगे भाई साहब, उन्होंने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, वो निपटा देगा। बोले नंबर चार बोले मोदी जी को रख लो, बोले बिल्कुल रख लो, पाकिस्तान को निपटा देगा। और नंबर 5 भाई साहब आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके सामने देश का वो बड़ा कवि खड़ा है। ये 5वां बहन जी मेरे को रखा, ये इतनी शांति से मैं प्रणाम करता हूं बहन जी आपको। परसों मेरा कवि सम्मेलन था सर, ऐसी एक महिला बैठी गुस्से में घूर रही 15 मिनट से मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके मेरे को क्या लेना देना, 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या, बोली नहीं तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। पर मजा ले आज कोई लुगाई को कोई निपटा दे भाई साहब, कोई ऐसे परेशान नहीं कर सकता। आज जमाना महिलाओं का है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं बेटियों के लिए कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छूलेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छूलेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छूलेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छूलेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती है, झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर ट्रेसा लता हो कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। हर काम लुगाई कर सकती है, कोई काम ऐसा नहीं जो नारी नहीं कर सकती। सिर्फ एक काम है, कभी भी दमकल विभाग में फायर ब्रिगेड स्टेशन में लुगाई काम करती हुई नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना लुगाइयां का काम कौन है, ये तो लगा सके हैं बस भाई साहब। और ये जो वहां हंस रहे हैं ना लोग, उनके घर में लगी पड़ी है 5-7 लोग जो पड़े हैं, ये मैंने इसलिए कही थी बात भाई साहब।